70 साल शफीक ने 13 साल की उम्र में एमएम आलम की तस्वीर बनाकर अपनी मुसव्वरी के सफर का आगाज किया था। वो कई दहाइयों से पाक फौज के हीरोज की तस्वीर बनाकर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते आ रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं मरियम रफीक। स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम, मैंने सबसे पहले उनका पोर्ट्रेट बनाया, दौरे पे आए, उनको पोर्ट्रेट पेश किया और उन्होंने मुझे कहा कि इस काम को छोड़ना नहीं, जारी रखना है। बस उसी वक्त से ये अपने काम को मैं जारी रखे हुए हूँ। एमएम आलम ने स्कूल में कदम रखा तो 13 साल शफीक उनको मिलने की तगोदो में था। उन्होंने बच्चे की जुस्तजू देखी तो खुद उसे पास बुलाया। शफीक ने बताया कि उसने रात भर जागकर उनका पोर्ट्रेट बनाया है। एमएम आलम ने इनाम देते हुए वादा लिया कि वो मुसव्वरी हमेशा जारी रखेगा। 70 साल मुसव्वर बाबा शफीक को वतन से बहुत मोहब्बत है। उन्होंने सड़क किनारे पहली आर्ट गैलरी बनाई, जहाँ वो अपने हाथों की महारत और रंगों के हसीन इम्तिजाज से पाक फौज के जवानों और शहदा की तस्वीर बनाते हैं। मैंने ये आर्ट गैलरी बनाई है और अभी तक अपनी वतन की मोहब्बत कर रहा हूँ और खिदमत कर रहा हूँ। वतनी अजीज के शोधा हैं, उनके भी पोर्ट्रेट बनाता हूँ। तहरीक पाकिस्तान और दीगर मौजूदात पर बनाई गई उनकी सैकड़ों पेंटिंग्स दुनिया भर में मुनक्कद होने वाली मुख्तलिफ नुमाइशों में अब तक कई इनामात जीत चुकी हैं। सड़क किनारे कायम आर्ट गैलरी में अवेजा शोधा की तस्वीर 70 साल मुसव्वर बाबा शफी की वतन से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन रईस दिलावर के साथ मरियम रफीक, GNN फैसलाबाद।